बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से हम आपको ऑनलाइन लेक्चर्स भेज रहे हैं, जिसमें क्लास 8 की मैथमेटिक्स को हमने शुरू किया है। यूनिट नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, जो कि मेरे पास है रियल नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने नंबर्स की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ और टाइप्स पढ़ी हैं। आज हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डेसिमल्स का बाय डिवीजन मेथड, तो शुरू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 का आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने अगेन स्क्वायर रूट फाइंड करना है डेसिमल्स का बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड हमने पहले सीखा है, लेकिन वो हमने सिंपल नंबर का सीखा है, आज हम डेसिमल का सीखेंगे। तो आपको जो डायरी दी गई है उसमें इसका एक क्वेश्चन जो है उसको हमने सोल्व किया है। अब हम इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, देखें डेसिमल में क्या डिफरेंस आएगा। हमने वैसे ही इसको डिवीजन के साइन के अंदर लिखा, अब ऐसे ही हमने इनके पेयर्स बना लिए, 9 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ। अब चूंकि ये 0 है, 0 और पॉइंट, ये एज इट इज़ ऊपर चला गया। अब हमने सिर्फ इन नंबर्स का स्क्वायर रूट है वो हमने फाइंड करना है। तो अब 32 जो है वो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 4 जै 16, 32 से कम है, 5 जै 25 कम है, लेकिन 6 क्या हो जाएगा 36, मतलब वो इससे क्या हो जाएगा 32 से बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 जै 25। अच्छा जी, अब 32 में से 25 माइनस करेंगे तो ये बच गया हमारे पास 7। ठीक है जी, अब 7 जब बच गया, 49 जो है वो एज इट इज़ नीचे आ गया। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या होता है, 5 + 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, 10। अब हम क्या करेंगे, आगे नंबर जो है जो यहाँ पे हम लगाएंगे वही नंबर यहाँ पे लगाएंगे। तो अब यहाँ पे मैंने लगाया 7, ये बन गया 107, और यहाँ पे भी लगाया 7, तो 107 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 749, जो कि पूरा हो गया डिवाइड। तो इसके जो है ये सारे पार्ट्स आपने खुद अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका, जैसे यहाँ पे हमें ये दिया गया, अगेन हम इसके बनाएंगे पेयर्स बनाने के बाद 0 ऊपर एज इट इज चला गया, पॉइंट भी चला गया, तो हम वो करेंगे सोल्व। अब 7 से क्या होगा 49, क्योंकि 8 से क्या हो जाएगा 64, तो वो इससे बड़ा हो जाएगा। अगेन हम इनको माइनस करेंगे, बच गया 2, 84 एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 7 + 7 क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 2, यहाँ पे भी लगाएंगे 2, ये बन गया 142 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 284 पूरा। तो मीन्स के स्क्वायर रूट जो है वो इस नंबर का क्या है हमारे पास, 0.72। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, ईजी भी हैं, आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। स्टे होम, स्टे सेफ।